इस टेंशन में हमारा टाइम चला जाता था कि एग्जाम्स पता नहीं होंगे नहीं होंगे, पोस्टपोन होंगे या नहीं। अब जब पोस्टपोनमेंट की बात हो गई है तो फिर ये हो गया कि भाई कब होंगे वो तो बताओ, कब तक पोस्टपोन किया, इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया ऐसे तो लग रहा है हमें। टेंशन अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। स्टूडेंट्स आर वेरी अपसेट, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मुझे भी इतनी ही एंगजाइटी होती जितनी आपको हो रही है। मेरे लिए ये बोलना बहुत ईजी हो जाता है कि बच्चे ये मत ध्यान दो, आप अच्छे बारे में सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो, पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेंट्रेट करते रहो। मुझे पता है मेरे लिए बोलना बहुत ही ईजी है, लेकिन आप पे वो बीत रही है, आप उस चीज़ों से गुजर रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आई टोटली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बट एज अ टीचर एज अ प्रोफेसर इट इज़ माई ड्यूटी टू कीप मोटिवेटिंग यू। और मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करती रहूँ ताकि आपका ये जो सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उससे थोड़ा ध्यान हट जाए, यू फील मोटिवेटेड एंड यू गेट अ राइट डायरेक्शन कि अब जो हमें टाइम मिला है, ये जो पोस्टपोनमेंट हुए हैं एग्जाम के, फिर भी अनसर्टन है कि कब पोस्टपोन हुए, इट्स लाइक इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गए, अभी कैंसिल हो रहे हैं नहीं वो भी कुछ नहीं पता लग रहा है। इतनी एंगजाइटी में पढ़ाई नहीं हो रही है, अब टाइम मिला है लेकिन उसे कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, अगर आप वो जानना चाहते हो देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू। डू सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज का नोटिफिकेशन आता रहे। स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस क्विकली फाइव इंपॉर्टेंट वेज इन विच यू कैन यूटिलाइज दिस एक्स्ट्रा टाइम दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। दिस इज अ स्ट्रैटेजी विच कैन अप्लाई टू ऑल द सब्जेक्ट्स एट एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले मेरा यही बोलना होगा दैट गो थ्रू पास्ट एग्जाम पेपर्स। देखो क्या होता है ना, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे पास कभी कभार इतना टाइम नहीं रहता कि हम उतनी सारी पोर्शन कंप्लीट कर पाए। नाउ यू आर वेरी लकी कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आप एग्जाम पेपर्स गो थ्रू कर सकते हो। सो गो थ्रू ऑल द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स MTP RTP एंड यू विल बी सरप्राइज कि हर साल उसमें से आधे से ज़्यादा पेपर उसमें से ही आता है। दे जस्ट चेंज द नंबर्स, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे, क्वेश्चन के वर्डिंग्स चेंज कर देंगे, लेकिन वही वही क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट एन आइडिया कि एग्जाम में क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो गो थ्रू पास्ट एग्जाम पेपर्स MTP RTP, अभी आपके पास वो करने का टाइम है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गो थ्रू तो कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम की इतनी पढ़ाई होती है, टाइम बाउंड रहता है सब। ये तो ऐसी सिचुएशन है ना कि अभी आपको ज्यादा टाइम मिला है, हर अटेम्प्ट में तो ऐसा नहीं होता है ना। तो अब आपको टाइम मिला है तो जस्ट डोंट गो थ्रू, एक दो पेपर सॉल्व भी कर लो। तो कोई भी एक मॉक टेस्ट पेपर उठा लो इंस्टीट्यूट का एंड स्टार्ट सॉल्विंग दैट। सो गो थ्रू पास्ट एग्जाम पेपर्स, दैट विल बी माय फर्स्ट टिप। माय सेकंड टिप विल बी मेक योर ओन नोट्स। कितनी बार ऐसा होता है ना टाइम नहीं मिलता, वो तो कॉमन है ही प्रॉब्लम सबकी। देन वी रिलाई ऑन नोट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय अदर फैकल्टीज, वी रिलाई ऑन नोट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय अवर फ्रेंड्स, वी रिलाई ऑन नोट्स विच आर अवेलेबल इन द सोशल मीडिया। इतना सब कुछ हम जमा कर लेते हैं कि अभी पता नहीं लगता है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, फिर हम खुद वापस ढूंढने लगते हैं, अब ये चार नोट्स तो समझ नहीं आ रहे अभी क्या करें। कभी आपने ये बैठ के सोचा है, अगर खुद ये एफर्ट कर लोगे नोट्स भी बन जाएंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड याद भी हो जाएगा सब कुछ। सो मेक योर ओन नोट्स, मेक इट इन योर ओन हैंड राइटिंग, चार्ट्स यूज करो, निमोनिक्स यूज करो, डायग्राम में बनाओ। और एक टिप देती हूँ यहाँ पर आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ट्राई टू मेक दोज लास्ट मिनट रिविजन नोट्स ऑन अ पाम साइज पेपर। पुरानी फोटोग्राफ्स है ना आपके बचपन की, मम्मी डैडी ने कभी उनको डेवलप करके एक एल्बम बनाई होगी आपके लिए, आप वो फोटोज है ना आपकी आंखों में अभी तक वो याद है, क्यों, पाम साइज की है ना। मोबाइल पे जो देखते हो उसमें ज्यादा मजा आता है देन TV और ऑन टैबलेट ऑल्सो, बिकॉज इट इज ऑन अ पाम साइज स्क्रीन, वो जल्दी याद हो जाती है, इफेक्टिव भी रहती है। सो पोस्टिट्स ले लो या अपनी पुरानी जो नोटबुक्स हैं उनके पेजेस वो साइज में कट कर लो, स्टेपल कर दो, एक छोटी सी बुकलेट बना लो अपने लिए फॉर एवरी सब्जेक्ट, मेक लास्ट मिनट रिविजन नोट्स, आपके पास अभी वो बनाने का टाइम है। और ये देखना एक बार आप लिख लोगे ना एग्जाम डे तक याद रहेगा आपको। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्टडी द टॉपिक्स दैट यू हैड लेफ्ट इन ऑप्शन। किसी की भी 100% पढ़ाई नहीं होती है। मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मैम मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा सब कुछ पढ़ के कैसे होगा, हम इतने सारे वीडियोस देख लेते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स बोलते हैं हमने तो ये भी पढ़ाई की थी वो भी की थी एंड वी आर लेफ्ट क्वेश्चनिंग आवर सेल्स, यार ये इतना पढ़ रहा है मैं कहाँ पर हूँ इसमें, हमें समझ में नहीं आता क्या करें, 100% कैसे पढ़ाई होगी। किसी की भी नहीं होती है, ये बात पहले एक्सेप्ट करो, किसी की भी 100% पढ़ाई नहीं होती है।
बाद में बोलना बहुत इजी है, हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन जब वो एज स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है ये सब जानते हैं। तो प्लीज रिलैक्स हो जाओ, 100% किसी का भी नहीं होता है पढ़ के, थोड़ा बहुत तो ऑप्शन सब छोड़ते ही हैं, पर आप क्यों छोड़ो, अभी आपको मौका मिला है, 100% पढ़ने का टाइम मिला है ना आपको, तो यूटिलाइज इट दैट वे। तो ये सोचो कि चलो भाई जो ऑप्शन में छोड़ा था अब वो पढ़ लेते हैं, अटेम्प्ट मोर एंड मोर पेपर्स। आज ही सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा था कि मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि पेपर छूट रहा है, पेपर छूट जाता है, हम सारा कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एंड स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से तो 100% पेपर अटेम्प्ट करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पासिंग योर एग्जामिनेशन। तो अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपका टाइम मैनेजमेंट तभी इंप्रूव होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप टाइम लगा के एग्जाम में लिखो, आधा घंटा हो गया, नहीं नहीं ये कंप्लीट करना है, 5 मिनट हो गए, ये मुझे कंप्लीट करना है। हर क्वेश्चन के लिए हम टाइम नहीं सेट कर सकते, वरना हमारा सारा ध्यान अपनी वॉच पे ही रहेगा रादर देन राइटिंग दी आंसर। तो क्या करें, राइटिंग प्रैक्टिस करो, हैंड राइटिंग की स्पीड बढ़ाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि कॉन्सेप्ट इमिजिएटली आपके माइंड में फटाफट फटाफट एक के बाद एक फ्लो होते रहे, और जैसे आपका फास्ट माइंड चल रहा है उसी हिसाब से आपका हाथ भी फास्ट चले। दैट इज पॉसिबल ओनली वेन यू प्रैक्टिस। एंड टू हेल्प यू प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, मेरी वेबसाइट थ्योरी मास्टर्स लर्निंग पे फ्री टेस्ट पेपर्स है, देर आर फ्री टेस्ट पेपर्स, यूनिट वाइज टेस्ट पेपर्स अवेलेबल, लिंक दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड डाउनलोड दैट पेपर। टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल जहाँ पर आप टेस्ट पेपर लिखो, हम आपको चेक करके देंगे विद प्रोफेशनल पेपर चेकर्स। देर विल ऑल्सो बी एन हाफ एन आवर ऑफ मेंटरिंग एंड काउंसिलिंग सेशन, जहाँ पर आप अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने कंसर्न हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड वी विल टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एग्जाम। दिस इज द राइट टाइम टू प्लान योर स्टडीज एंड टू एम फॉर एग्जेम्पशन, यू कैन एम फॉर रैंक, यू कैन एम फॉर पासिंग योर एग्जाम एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है, मैं आपकी जगह पे होती तो मुझे भी होती। आप जो फील कर रहे हो वो सही फील करो, कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे क्यों नेगेटिव लग रहा है। टेंशन होना बहुत नॉर्मल है, उसे एक्सेप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके टू फील टेंस, लेकिन उस टेंशन को, उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें वो भी इंपॉर्टेंट है। द लास्ट थिंग आई विल कंक्लूड माई वीडियो बाय सेइंग कि ये सब तो पढ़ाई का कर लिया हमने, बहुत पढ़ाई कर ली, सारा दिन पढ़ाई तो नहीं कर सकते ना हम लोग। स्टार्ट परस्यूइंग योर हॉबी, अगर आपको लगता है कि ये मेरी हॉबी है, पूरा दिन मत पढ़ो, थोड़ा टाइम अपनी हॉबी के लिए, वॉक पे तो जा नहीं सकते अभी, ठीक है, तो एक हाथ कुछ हमने मूवी देख ली या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दिया। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप वो चीज कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, यू कैन सिंग, देर आर सो मेनी एप्स विच आर अवेलेबल टू हेल्प यू डू दैट। अच्छा कोई एक्सेल का कोर्स कर लो, या कोई कंप्यूटर में कोई और लैंग्वेज सीख लो, परस्यू योर हॉबी, कुछ ऐसा करो जिससे आपका माइंड थोड़ा स्टडी से भी डाइवर्ट हो जाए। तो वर्क 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 बोलते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, हमें डल नहीं बनना है, हम सिर्फ पढ़ाई 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 अभी वो नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि पूरा दिन घर पे ही है। तो परस्यू योर हॉबी, कोई अपना स्किल डेवलप करो, ये आर्टिकलशिप में भी आपको काम आएगा और कभी ना कभी वो जरूर काम आएगा। रीड समथिंग, अगर रीडिंग आपकी हॉबी है तो कोई भी एक नॉवल ले लो, 1-2 घंटे आप वो कर सकते हो। तो पढ़ाई करनी है, इंटेंसिवली करनी है, लेकिन अपने पे भी ध्यान देना है। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योर हेल्थ स्टूडेंट्स। आपकी हेल्थ सबके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, फॉर योर टीचर्स, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फ्रेंड्स। वी वॉन्ट यू टू स्टे हेल्दी टिल द एग्जाम। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फील मोटिवेटेड, तो एक थम्स अप जरूर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियोस चाहिए, सो दैट वी कैन मेक मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू। इसी के साथ लेट मी टेक योर लीव फॉर द टाइम बिंग, आपको पढ़ाई में वापस छोड़ देती हूँ, एंड वी विल बी कमिंग अप मोर कंटेंट वीडियोज, सो कीप वॉचिंग योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग।